वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, दूसरे दौर में प्रधानमंत्री मोदी को लगेगा कोरोना का टीका। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कोरोना का टीका लगेगा। सीएम के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा घबराने की नहीं जरूरत। 50 साल के ऊपर के देश के सभी मंत्रियों को भी लगेगा कोरोना का वैक्सीन, दूसरे चरण के वैक्सीनेशन में होगा शामिल। 50 साल के ऊपर के ही सांसदों और विधायकों का भी होगा वैक्सीनेशन दूसरे चरण में। 50 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को लगनी है वैक्सीन। देश में जारी है कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की मुहिम, अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। ट्रैक्टर मार्च को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं, पुलिस के साथ किसान नेताओं की बैठक। पुलिस के साथ किसान नेताओं की लगातार 2 दिन हुई बातचीत, अब तक नहीं निकला कोई भी नतीजा। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक का दिया है हवाला, किसानों को समझाने की कोशिश। ओंडी मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए मनाने की कोशिश, यूपी और हरियाणा के पुलिस अधिकारी भी शामिल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुट रहे हैं किसान, पुलिस ने कहा रैली हुई तो किसानों का होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की गांव में तैयारी शुरू, बरनाला से 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर ले जाने का दावा। पंजाब से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली रवाना हुए किसान, 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में होना है शामिल। संगरूर से भी दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान, ट्रैक्टरों पर लगाए किसान संगठनों के झंडे। गुरुग्राम में किसानों की ट्रैक्टर रैली परेड को पुलिस ने हाईवे पर जाने से रोका, 26 जनवरी के लिए हो रही है प्रैक्टिस। ट्रैक्टरों पर झांकी निकालने की भी तैयारी, पूर्व सैनिकों और खिलाड़ियों को भी किया जाएगा शामिल। किसान संगठनों की आज 12 बजे होगी अहम बैठक, सरकार के प्रस्ताव पर करेंगे विचार मंथन। सिंघू बॉर्डर पर होगी किसानों की बैठक, फैसले को लेकर शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार और नई कमेटी के प्रस्ताव से किसान नेताओं में जगी उम्मीद, दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। 10वें दौर की बातचीत के बाद कृषि मंत्री को दिखी उम्मीद, कहा समाधान तक कानून पर रोक। बैठक में कृषि मंत्री ने कानून को 1.5 साल तक रोकने का दिया है प्रस्ताव, कमेटी बनाकर सिफारिश लागू करने की कही बात। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने की बड़ी सियासी तैयारी, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे कोलकाता। 23 जनवरी को विक्टोरिया हॉल में बोस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सीएम ममता बनर्जी को भी समारोह का न्योता। सीएम ममता बनर्जी बोली बीजेपी को चुनाव के वक्त ही क्यों याद आते नेताजी, बोस के जन्मदिन पर अवकाश की मांग, कहा देशनायक दिवस के तौर पर मनाया जाए ये दिन। शुभेंदु अधिकारी की रैली में विवादित गोली मारो का लगा नारा, टीएमसी से लेकर कांग्रेस तक ने उठाए सवाल। विवादित नारे पर पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार, इनमें हुगली के जिला बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी शामिल। 30 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के साथ ही रैली को भी करेंगे संबोधित, बेलून मठ भी जाएंगे शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी को जाएंगे पश्चिम बंगाल, परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत, सभी 294 विधानसभा सीटों पर रथ यात्रा का कार्यक्रम। वेस्ट मिदनापुर में आज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली, दोपहर 2 बजे रैली का वक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा पहुंचे कोलकाता, विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेगी चुनाव आयोग की टीम। चुनाव आयोग की बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ ही शामिल होंगे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी, दिलीप घोष भी करेंगे शिरकत। तांडव वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज FIR की तफ्तीश करने मुंबई पहुंची लखनऊ पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच के दफ्तर से ली जानकारी। वेब सीरीज तांडव पर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता का बयान, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं। दिल्ली में बीजेपी नेता अजय गोयल ने भी निंदनीय वेब सीरीज पर प्रतिबंध की मांग की, प्रदर्शन भी किया। ग्वालियर में भी तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ मामला दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। लुधियाना में वेब सीरीज तांडव का विरोध, सर्वधर्म रक्षा मंच ने दर्ज कराई है शिकायत।
तांडव पर बीजेपी के विरोध पर शिवसेना का वार, सामना में लिखा बीजेपी के विरोध में कितनी प्रामाणिकता, इस पर है शक। बीजेपी पर शिवसेना का कड़ा वार, कहा जो बीजेपी तांडव के खिलाफ खड़ी वो एक पत्रकार के भारत माता का अपमान करने पर चुप क्यों। बेंगलुरु में शशिकला के समर्थक अस्पताल के बाहर जुटे, मुलाकात करने की मांग को लेकर हंगामा। गलवान घाटी में शहीद होने वाले जवान कुंदन ऊर्जा के परिजनों में आक्रोश, 6 महीने बाद भी मदद की सरकारी घोषणा पूरा होने का इंतजार। खंडवा में कलेक्टर के आदेश पर बंद हुआ म्यूजियम, नौकरेश्वर भेजी जा रही है म्यूजियम की सामग्री। बिहार के मधेपुरा थाने में हंगामा, कोचिंग संचालक को पकड़ने का विरोध, हमले में 5 पुलिस वाले घायल, पुलिस ने 16 छात्रों को किया है गिरफ्तार। लखनऊ में साधु का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, गांव के लोगों ने जताई हत्या की आशंका। मठ में रहते थे 82 साल के फकीरदास बाबा, जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में सिलेंडर धमाके में घटना, 13 लोग जख्मी। जो बाइडेन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, शपथ के बाद बोले जो बाइडेन, अमेरिका में लोकतंत्र की हुई जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा हर अमेरिकी की रक्षा के लिए करूंगा काम, इतिहास में जोड़ेंगे नया अध्याय। भारतीय मूल की कमला हैरिस बनी अमेरिका की दूसरी सबसे शक्तिशाली शख्सियत, वाइस प्रेसिडेंट के लिए शपथ। कमला हैरिस की शपथ पर तमिलनाडु में उनके पैतृक गांव में मना जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को दी बधाई, कहा हम दोनों मिलकर भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।